Good morning students, this is your English class and I am your English teacher. Today we will read lesson number 6. आज बच्चों हम क्या read कर रहे हैं? Lesson number 6. Lesson number 6 क्या था हमारा? Best worthy of judgment seat. Okay, yesterday हमने read किया था half chapter. आज हम chapter को complete करेंगे. रीड करने से पहले प्रीवियस स्टोरी थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं. ओके, स्टोरी जो है वो किसके ऊपर है? विक्रमादित्य के ऊपर है, जो कि राजा है कहाँ के? उज्जैन के, जो कि किसके लिए जाने जाते हैं? अपने न्याय के लिए. ठीक है, न्याय के लिए वो जाने जाते हैं. उनके जो जजमेंट होते हैं वो काफी जस्ट होते हैं, काफी ठोस होते हैं और लोग उनको स्वीकार भी कर लेते हैं. और उनकी एक ये इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है. ठीक है, बहुत टाइम पहले की बात है. एक जगह थी जहां पर लोग अपनी गायों को, अपने बकरियों को चराने के लिए लेकर जाते थे, जिसको क्या बोलते हैं बच्चों? हम पोस्टर लैंड बोलते हैं. ओके, वहां पर एक शेपर्ड बॉय था. जो कुछ वहां पर शेपर्ड बॉय भी आते थे, जो भेड़ बकरी को चराने वाले जो होते हैं, और वहां पर आकर वो मस्ती करते थे. एक दिन क्या हुआ, शेपर्ड बॉय ने एक पेड़ के नीचे माउंट को देखा, जमीन पर बने हुए एक माउंट को देखा. माउंट होती है एक तरह की सीट या एक तरह का सिंहासन हम उसको बोल सकते हैं. ठीक है, वो देखने में एक तरह से सीट ही लग रही थी. तो जो वो शेपर्ड बॉय था, उसने क्या किया, वो उस सीट पर जाकर बैठ गया. और अचानक से क्या हुआ, वो जो शेपर्ड बॉय सीट पर बैठा था वो एक अचानक से ब्रेव हो गया और जो दूसरे शेपर्ड बॉयज थे उनको ऑर्डर देने लगा और बोल कहने लगा कि मैं तुम्हें न्याय दूंगा. तो जो दूसरे बॉयज थे, दूसरे शेपर्ड बॉयज थे, उन्होंने ये एक फन सोचकर और एक दूसरे के साथ क्वेरलिंग स्टार्ट कर दी, मीन्स बहस करनी स्टार्ट कर दी. और जो सीट पर बैठा था उसने क्या किया, वो उनके डिस्प्यूट को, उनके विवाद को सॉल्व करने लगा. और जो शेपर्ड बॉय जो सीट पर बैठा था वो देखने में थोड़ा सा डिफरेंट लगने लगा. वो काफी शांत, जब वो सीट पर बैठा तो वो काफी शांत हो गया और सीरियस हो गया और वो जजमेंट को पास करने लगा. धीरे धीरे ये जो अफवाह थी कि एक शेपर्ड बॉय है जो कि वहां पर बैठा है और वो लोगों को न्याय दिलाने लगा, ये अफवाह गांव में फैल गई. लोग उसके पास न्याय के लिए आने लगे, अपने घर के जो भी विवाद थे उसके लिए वो आने लगे. ठीक है, उसके बाद आगे क्या होता है, अब हम स्टोरी को रीड करते हैं. द वर्ड फर्दर स्प्रेड. द किंग ऑफ उदयपुर ऑल्सो हियर्ड इट. ही थॉट दैट द सीट सर्टेनली बिलोंग टू द किंग विक्रमादित्य. धीरे धीरे जैसे ये खबर फैलने लगी तो उदयपुर के जो राजा थे उन्होंने भी ये खबर सुनी. ही थॉट दैट सीट सर्टेनली बिलोंग टू द किंग विक्रमादित्य. उन्होंने सोचा कि जो ये सीट है ये किसकी है सीट? विक्रमादित्य की, क्योंकि विक्रमादित्य ही किसके लिए जाने जाते थे? अपने न्याय के लिए जाने जाते थे. ही ऑर्डर्ड फॉर एक्सकेवेशन एट द साइट. उन्होंने अपने जो सैनिक थे उनको ऑर्डर दिया और वहां का परीक्षण करने के लिए वो निकल पड़े. व्हाट वाज इट, आखिर क्या बात थी? अ स्लैब ऑफ ब्लैक मार्बल सपोर्टेड ऑन द हैंड एंड विंग्स ऑफ 25 एंजल्स मेड ऑफ स्टोन. एक स्लैब था मार्बल का बना हुआ, मार्बल मीन्स पत्थर का बना हुआ एक स्लैब था जिसमें हैंड भी लगे हुए थे और विंग्स भी लगे हुए थे. वो देखने में 5 एंजल्स भी थे उसके साइड में. श्योरली इट वॉज द सीट ऑफ द विक्रमादित्य. और उनको क्या हो गया था, पूरा विश्वास हो गया था कि जो सीट है वो किसकी है? विक्रमादित्य की है. द किंग एक्सक्लेम्ड एंड थॉट इफ जस्ट सिटिंग ऑन द सीट
brings wisdom and justice to the shepherd boy, I would sit on the seat and the spirit of King Vikramaditya would be drawn on to me. उन्होंने सोचा, राजा ने कहा और सोचा कि अगर सीट पर बैठने से जो शेफर्ड बॉय था जो शेफर्ड बॉय था अगर वो शेफर्ड लड़के के लिए ज्ञान और न्याय होता है तो मैं सीट पर बैठूंगा और राजा विक्रमादित्य की आत्मा मुझ पर आ जाएगी. द सीट वॉज बॉट टू द किंग पैलेस. जो सीट थी वो उठाकर लाई गई राजा के पैलेस में, राजा के महल में. ही गेव ऑर्डर ऑल द 3 days fast to sanctify themselves. और उन्होंने ऑर्डर दिया अपने आप को, 3 दिन दिए उन्होंने अपने आप को पवित्र करने के लिए. ही फिक्स्ड द 4th day फॉर हिज असेंडेंस टू द सीट. उन्होंने 4th दिन वंशवाली बनने के लिए, सीट पर बैठने के लिए उन्होंने 4th day फिक्स किया. On the 4th day, people gathered to see the ascending to the king. 4th day, लोग इकट्ठा हो गए उनको देखने के लिए. When the king was about to sit on the seat, one of the angels began to speak. Stop, do you think that you are worthy to sit on the judgment seat of Vikramaditya? जैसे ही राजा सीट पर बैठने के लिए चले तो जो एक एंजल था उन्होंने उसने बोला, स्टॉप, डू यू थिंक दैट यू आर वर्दी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य. क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस सीट पर, विक्रमादित्य के जजमेंट सीट पर बैठने के काबिल हो? हैव यू कम टू द नेक्स्ट पेज. Have you ever desired to rule the kingdom that were not your? तुम जो हो वो ये desire नहीं करते हो कि तुम मतलब एक अच्छे न्यायाधीश बन सकते हो. The king could not give an answer. और राजा जो है वो इस बात का आंसर नहीं दे पाया. He knew his life was not just as that of विक्रमादित्य. उनकी जो लाइफ थी वो विक्रमादित्य की तरह नहीं थी. He said, no, I am not worthy. और राजा ने कहा, नहीं, मैं इसके लायक नहीं हूँ. Go then and fast and pray for 3 days to purify yourself, spoke the angel. Angel ने कहा, जाओ और 3 दिन तक पूजा करो, व्रत करो, प्रार्थना करो और अपने आप को प्योर करो, मीन्स पवित्र करो. Suddenly the angel vanished away. और इस बात, ये बात कहने के बाद जो एंजल था वो अचानक से गायब हो गया. The king fasted and prayed for 3 days and came back to the seat to ascend. और जो राजा था, राजा ने 3 दिन तक फास्ट रखे, प्रे की और दोबारा से सीट पर बैठने के लिए वापस आ गया. This time he felt confident. अब इस समय राजा को पूरा विश्वास था. अब राजा को पूरा विश्वास था. But what happened? As he came near the seat, the second angel spoke, if you never wish to own riches not belong to you, you may sit. फिर अचानक से क्या होता है, जैसे ही राजा सीट के पास जाता है तो जो दूसरा एंजल था वो बोलता है कि if you ever wish to on riches, अगर तुम अपने लिए, अपने बारे में या अपना अमीर होने के लिए इस सीट पर बैठ रहे हो तो तुम इसके लायक नहीं हो. द किंग थॉट दिस टाइम ऑल्सो ही वॉज नॉट वर्दी टू सिट. तो किंग सोचता है कि वो इसके लायक बिल्कुल भी नहीं है. द सेकेंड एंजल फ्लू अवे एडवाइजिंग हिम टू प्योरिफाई हिमसेल्फ. और सेकेंड एंजल भी ये कहकर चला गया कि अपने आप को शुद्ध करो. दिस वे ऑल बट वन एंजल हैड फ्लोन अवे. इस तरह से कहते हुए जो एंजल थे वो उड़ गए.
When the king came near the seat for the last time, और आखिरी समय जैसे ही king seat के पास आते हैं, the last angel asked, जो last angel थे, वो कहते हैं, if your heart is as pure as that of child, you are indeed worthy to sit on the seat. अगर तुम्हारा दिल उस बच्चे की तरह साफ है, तुम्हारे अंदर कोई भी छल कपट नहीं है, तो तुम इस सीट पर बैठ सकते हो. Not denied the king, no, I am not worthy for the seat. और राजा ने मना करते हुए कहा कि नहीं, मेरे अंदर ये सब चीजें नहीं है. The last angel flew away suddenly carrying the judgment seat on her head. जो last angel था, वो judgment seat को अपने सिर पर रखकर उड़ गया. You would be knowing Vikram Samvat, the Hindu year, which was its origin, or to King Vikramaditya. आप सभी जानते होंगे जो विक्रम संवत, जो कि हिंदू वर्ष माना जाता है, वो किसके उपलक्ष्य में माना जाता है? किंग विक्रमादित्य की वजह से ही विक्रम संवत जो वर्ष है, हिंदू वर्ष है, वो माना जाता है. ओके, सो आई होप बच्चों आपको लेसन 6 जो है आपका, वो आपको अच्छे से समझ आया होगा, और आपको घर पर इसको अच्छे से रीड आउट करना है और समझना है. ओके, थैंक यू.